नमस्कार, मैं हूं मुस्कान अजमानी और रुक करते हैं देश और दुनिया की 75 बड़ी खबरों की ओर। योगी 2.0 का एक साल पूरा होने पर मुख्यमंत्री योगी ने दिया उपलब्धियों का ब्यौरा, बोले हमने नया यूपी बनाया। उनतीस मार्च को गोरखपुर में डायलिसिस यूनिट का उद्घाटन, व मां दुर्गा की पूजा करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। वाराणसी में कांग्रेस पर बरसे सीएम योगी आदित्यनाथ, कहा गरीब पिछड़े वर्ग का बेटा देश के सर्वोच्च पद पर जाए कांग्रेस को बर्दाश्त नहीं। राहुल की संसद सदस्यता खत्म होने पर बीजेपी का तंज, भाजपा महानगर अध्यक्ष बोले देश का कानून और संविधान सबसे ऊपर, फैसला स्वागत योग्य। राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने पर अखिलेश का बयान, बोले विपक्ष को नगण्य मुकदमों में फंसा कर अपना भविष्य देख रहे बीजेपी। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद ने बोला हमला, कहा अदालत के फैसले पर सवाल उठाने वाले दिमाग का कराए इलाज। सपा नेता आजम खां की पत्नी तंजीन फातिमा और बेटे को आयकर का नोटिस, आय से अधिक संपत्ति का मामला। सीएम योगी का कांग्रेस पर हमला, कहा नक्सल और आतंकवाद को दिया बढ़ावा, गरीबों दलितों के अपमान का जनता लेगी बदला। सीएम योगी का राहुल पर निशाना, बोले गरीब का बेटा देश के सर्वोच्च पद पर जाए कांग्रेस को बर्दाश्त नहीं। हरदोई पहुंचे मंत्री नितिन अग्रवाल ने अखिलेश को कहा इमैच्योर, बोले राजनीति में कभी बड़े नहीं हो पाएंगे। मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी के दर्शन करने पहुंचे कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, बोले देश में जोड़ने विदेश में तोड़ने की बात कर राहुल माफी मांगे। यूपी के मंत्री नरेंद्र कश्यप ने सपा और कांग्रेस पर साधा निशाना, बोले अखिलेश यादव से जरूर कुछ ऐसा हुआ है। लखनऊ में पुलिस पर पथराव, अंबेडकर प्रतिमा हटाने को लेकर दो पक्षों में बवाल, 10 से ज्यादा घायल। शादी के लिए की मां बेटी की हत्या, मां ने प्रेमी संग मिलकर नशे का इंजेक्शन देकर गला दबाया, फिर गंग नहर में फेंका। मीट कारोबारी के ठिकानों पर 80 घंटे की रेड, 50 बैंक खंगाले गए, वहीं सोने चांदी के जेवर सीज आईटी टीम कारोबारी बेटों को दिल्ली ले गई। बीओबी के लॉकर से 1.5 करोड़ के जेवरात गायब, कानपुर में बिना चाबे के खुला गया लॉकर, वहीं नीचे पड़ा मिला पर्स, बैंक प्रबंधन पर केस। नोएडा के एक्सपो मार्ट में हंगामा, वर्ल्ड स्टार्टअप मेगा कन्वेंशन में नहीं पहुंचे केंद्रीय मंत्री, स्टार्टअप्स बोले धोखा मिला। बसपा सरकार में मंत्री रहे याकूब कुरैशी का घर सील, पत्नी के नाम 9 करोड़ के कृषि और भूमि सील की गई। पिता पुत्र की हत्या में पड़ोसी अरेस्ट, झांसी में पत्नी से अवैध संबंध के शक में बेटे की हत्या की, पास सोए पिता को भी मार डाला। औरैया में भाजपा मंडल अध्यक्ष को दबंगों ने पीटा, बोले पीटने पर पुलिस और पार्टी के लोगों ने नहीं की मदद, इसलिए हटा दिया झंडा।
बुलंदशहर में प्रेमी युगल को बंधक बनाकर पीटा। लड़की के परिजनों ने दोनों पर बरसाई लाठी डंडे, चेहरे पर नाखून मारे और पुलिस ने छुड़ाया। गोरखपुर में खाकी की आड़ में क्राइम, 3000 की वर्दी खरीद, क्रिमिनल्स बन जाते पुलिस, कभी लूट करते तो कभी वसूली कर रहे। बरेली में एनसीईआरटी की नकली किताबें पकड़ी गई। वही दिल्ली से पहुंची टीम ने छापा मारा फैक्ट्री में, छापा मार कर दूसरे जिलों में की जा रही थी सप्लाई। यूपी में 6 आईएएस और 8 आईपीएस के साथ ही 8 पीएसएस अफसरों का ट्रांसफर। सुनील चौधरी को विशेष सचिव पिछड़ा वर्ग कल्याण में मिली तैनाती। कानपुर में साड़ी की दुकान में लगी आग, कर्मचारियों ने दुकान में रखे अग्निशमन यंत्र से पाया काबू, नुकसान व कोई जनहानि नहीं। बलिया में एक्सईएन से हाथापाई, जान से मारने की धमकी, बिना कार्य कराए पेमेंट कराने का ठेकेदार बना रहा था दबाव। सहारनपुर में 48 पुलिस कर्मियों के बदले कार्य क्षेत्र, एसएसपी ने नवरात्रि और रमजान पर छुट्टी रद्द की। सुल्तानपुर सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत, अनियंत्रित बाइक ट्रैक्टर से जा भिड़ी, हेलमेट नहीं पहनने के चलते सिर के बल गिरे दोनों। चंदौली में 2 बाइकों के आमने सामने से भिड़ंत, एक युवक की मौत, एक घायल। मृतक की 1 अप्रैल को तिलक और जून में शादी होनी थी। अंबेडकर नगर में जमीनी विवाद में खूनी संघर्ष, एक की मौत, दोनों पक्ष के बीच जमकर चले लाठी डंडे, 3 घायल। गाजियाबाद में एओए अध्यक्ष समेत 4 पर एफआईआर दर्ज, स्ट्रे डॉग्स को मारकर दूर फिकवाने का आरोप, रेसिडेंट्स में गुस्सा बढ़ा। छत गिरने से मलबे में दबकर किसान की मौत, कमरे के अंदर चारपाई पर सोते समय हादसा, मिट्टी और लकड़ी की बल्ली से बनी थी। अलीगढ़ में दिखा प्रदूषण विभाग की सख्ती, एसडीएम इगलास ने प्रदूषण विभाग की टीम ने अवैध ईंट भट्टों पर चलवाया बुलडोजर। आवास बनाने में किया जा रहा पीली ईंट के साथ घटिया सामग्री का प्रयोग, आवास निर्माण में मानक विहीन सामग्री का हुआ प्रयोग। अलीगढ़ में बीएसएनएल कार्यालय में लगी आग, दमकल कर्मियों ने मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। औरैया पहुंची व्यापारी स्वाभिमान यात्रा, स्वाभिमान यात्रा को व्यापारियों ने किया जोरदार स्वागत। धूमधाम से हुआ फरुखाबाद महोत्सव का आगाज, महोत्सव में भारतीय संस्कृति की दिखी झलक। फतेहपुर में घरों में आग लगने से मचो हड़कंप, आग लगने से 12 घरों में लगी आग, जिला प्रशासन से पीड़ित लगा रहे मदद की गुहार। हरदोई में लस्सी विक्रेता ने युवक के साथ किया कुकर्म, लस्सी में नशीला पदार्थ मिलाकर बनाया शिकार, फिर किया ब्लैकमेल। कानपुर में पुलिस रैली का किया गया आयोजन, रैली में बड़ी संख्या में महिला पुलिसकर्मियों ने लिया भाग। एलडीए की बड़ी कार्रवाई, 2 बाबू किए गए बर्खास्त, एलडीए की छवि धूमिल करने वाले 2 निलंबित बाबू को किया गया बर्खास्त।
मैनपुरी में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, मुठभेड़ में 25,000 के इनामी बदमाश को घायल अवस्था में किया गया गिरफ्तार। लखनऊ पुलिस को मिली बड़ी सफलता, पुलिस ने बीमा कंपनी में नौकरी का झांसा देकर ठगी करने वाले को किया गिरफ्तार। रायबरेली में रेलवे पटरी के पास मिला युवक का शव, परिजनों ने हाईवे पर सड़क पर लगाया जाम, पुलिस प्रशासन में मचा हड़कंप। प्रयागराज में जल शक्ति मंत्री ने किया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण, कहा डॉक्टर और कर्मचारियों को सीख लेनी चाहिए। रायबरेली में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का हल्ला बोल, कांग्रेसियों ने केंद्र सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। अमेठी में तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने बाइक सवार को मारी जोरदार टक्कर, टक्कर में बाइक पर सवार दो युवक हुए गंभीर रूप से घायल। औरैया में गांव के किनारे जानवर चरा रही 8 वर्षीय बालिका नहीं पहुंची घर, परिजनों ने अनहोनी की आशंका के चलते पुलिस को दी सूचना। बुलंदशहर में किसान से दिन दहाड़े हुई लूट, विरोध करने पर किसान को तमंचे के बट से किया लहूलुहान, जांच में जुटी पुलिस। फतेहपुर में गुंडों ने युवक को जमकर पीटा, मारपीट का लाइव वीडियो हुआ वायरल, वायरल वीडियो की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। कानपुर में दबंगों ने लाठी डंडे से युवक को मार मार कर किया लहूलुहान, 15 मिनट तक चले तांडव के बाद भी नहीं पहुंची पुलिस। कुशीनगर में पेड़ से लटका मिला युवती का शव, शव मिलने से क्षेत्र में फैली सनसनी, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। लखनऊ में मजदूर ने मासूम के साथ किया दुष्कर्म का प्रयास, ग्रामीणों ने मजदूर को पीट पीट कर किया पुलिस के हवाले। रायबरेली में मवेशियों के झुंड से बाइक सवार की टक्कर, टक्कर में अधेड़ टकराया, हुई दर्दनाक मौत। राजधानी लखनऊ में एलडीए की कार्रवाई जारी, 10 बीघा जमीन पर चला एलडीए का बुलडोजर। समाजवादी पार्टी ने जारी किया मार्च महीने का बुलेटिन, कई उच्च पदाधिकारियों ने अपने संदेश के माध्यम से कार्यकर्ताओं को दिया मंत्र। गाजियाबाद में छात्र पर पिटबुल का अटैक, सड़क पर गिराकर हाथ पैर और कमर पर नोचा, साहिबाबाद थाने में डॉग मालिक पर एफआईआर। फरुखाबाद में बाइक सवार ने बुजुर्ग को मारी टक्कर, पैदल दवा लेने जा रहा बुजुर्ग इलाज के लिए ले जाते समय गई जान। कन्नौज में दबंगों ने किया अधेड़ की हत्या, सूचना देने पर भी नहीं पहुंचे पुलिस, नाली को लेकर चल रहा था विवाद। चित्रकूट में ट्रक और पिकअप की टक्कर, दो की मौत, मऊ थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे पर हुआ हादसा, ट्रक ड्राइवर फरार। पीलीभीत में घर में हुई चोरी, लाखों के गहने और नकदी उठा ले गए चोर, कमरे के बाहर सोता रहा परिवार। ग्रेटर नोएडा में गैंगस्टर मामले में कार्रवाई, आरोपी सुदेश की 55 लाख रुपए के फ्लैट को पुलिस ने किया सील। फिरोजाबाद में गैस लीकेज से सिलेंडर में लगी आग, खाना बनाते समय हुआ हादसा, बहन को बचाने गए
तो तीन भाई झुलसे। बहराइच में पति ने की पत्नी की गला दबाकर हत्या, घर के सामने नाली में शव को दबाया, देर रात दोनों में हुआ था विवाद। ग्रेटर नोएडा में दो गांजा तस्कर गिरफ्तार, ट्रेन के टॉयलेट की छत में छुपाकर उड़ीसा से दिल्ली लाते थे। हाथरस में देवी देवता पर अश्लील टिप्पणी, धार्मिक पुस्तकों और तस्वीरों को फेंकने का सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल, आरोपी गिरफ्तार। घरेलू सिलेंडर से गैस रिफिलिंग के दौरान मारुति कार में लगी आग, दुकानदार ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू, जांच में जुटी पुलिस। शॉर्ट सर्किट से फलों के खोखे में लगी आग, हाई टेंशन लाइन का तार गिरने से उतरा करंट, मेरठ पुलिस ने पाया काबू। अमेठी में महिला की हत्या का सनसनीखेज खुलासा, प्रेमी के उधार को चुकाने के लिए युवती और अन्य ने रची थी साजिश। कौशाम्बी में पत्नी की हत्या कर पति ने दी जान, शराब पीने से मना करने पर पत्नी का गला घोटा, फिर ट्रेन से कटकर आत्महत्या की। मेरठ में फल का ठेला लगाने को लेकर विवाद, दो समुदाय के फल विक्रेताओं के बीच हुई जमकर मारपीट, पुलिस की हिरासत में एक आरोपी। बिजनौर में छप्पर और मकान में लगी आग, लाखों का सामान जलकर हुआ राख, विधायक ने आर्थिक मदद करने का दिया आश्वासन। यूपी में कोरोना के 8 दिन में 200 नए कोरोना केस, वहीं करीब 105 दिन बाद बढ़ा कोरोना ग्राफ। वाराणसी में 26 मार्च को बंद रहेगा नाव का संचालन, निषाद समाज मनाएगा निषाद राज की जयंती, घाटों पर भंडारे का होगा आयोजन। मथुरा में कोरोना की दस्तक, 5 महीने बाद महिला मिले पॉजिटिव, स्वास्थ्य विभाग ने परिवार के लिए सैंपल। जिलों की 75 बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। देश भर की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।